हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है स्टूडेंट्स, और उन दोनों पार्ट्स में फिगर्स गिवन है, और हमें उन फिगर्स में से एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में जो फिगर हमें दी गई है वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से एंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें ये जो एंगल्स आप यहां पर देख रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एक्स के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? 55 डिग्री। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 55 डिग्री के। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्री, और यहां पर हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, अब हम एंगल y और एंगल z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहां से यहां तक जो ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है, और यहां पर जो ये 180 डिग्री का एंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, क्योंकि इस 180 डिग्री एंगल को ये वाली रे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि अगर हम एंगल एक्स और एंगल वाई को ऐड करें तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल एक्स और एंगल वाई क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर जो 180 डिग्री का एंगल होता है जब वो दो एंगल्स में डिवाइड हो जाता है तो इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो आपको वापस 180 डिग्री मिलता है। तो हम कहते हैं कि ये दो एंगल्स क्या हैं? ये दो एंगल्स लीनियर पेयर हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल वाई ऐड होकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन यहां पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर। अब एंगल एक्स की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक्स कितना आया था? 55 डिग्री। तो एक्स की जगह यहां पर हम लिखेंगे 55 डिग्री, प्लस का साइन एज इट इज, वाई भी एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज आएगा, 180 डिग्री को भी यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमें तो एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाई को तो यहां हम एज इट इज रखेंगे और ये 55 डिग्री को हम राइट साइड में ले आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई यहां पर एज इट इज रहा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आया, 180 डिग्री को भी यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो 55 डिग्री यहां पर पॉजिटिव है ये राइट साइड में आके नेगेटिव 55 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाई यहां पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 180 में से जब आप 55 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 125। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? एंगल y की वैल्यू आ गई है 125 डिग्री। अब हम एंगल x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और एंगल y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करेंगे एंगल z की वैल्यू। अब यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दो एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो एंगल वाई किसके इक्वल होगा? एंगल जेड के इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू जेड, और इसका रीजन यहां पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल वाई की वैल्यू अभी यहां पर हमने फाइंड की थी 125 डिग्री, तो एंगल वाई की जगह हम एंगल वाई की वैल्यू रख देंगे, तो जेड भी किसके इक्वल आ गया? जेड भी 125 डिग्री के इक्वल आ गया। तो अब हमने एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हैंस एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक फिगर दी गई है, और इस फिगर में भी हमें एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहां से यहां तक जो ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है, और यहां पर जो ये यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री का एंगल है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है।
और अगर हम इन तीनों पार्ट्स को यानी इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये 40 डिग्री है, ये एक्स है और ये 25 डिग्री है। हमने इन तीनों को ऐड किया और इन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। और इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर आप लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, क्योंकि लीनियर पेयर तब बनता है जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन यहां पर जो ये 180 डिग्री का एंगल है, ये दो नहीं बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहां पर लीनियर पेयर की जगह आप क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब हम 40 डिग्री और 25 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 65 डिग्री। प्लस का साइन एज इट इज आएगा, एक्स भी यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज लिखेंगे और 180 डिग्री भी यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम ये एक्स को यहां पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा और ये जो 65 डिग्री यहां पर लेफ्ट साइड में है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे। यहां पर ये पॉजिटिव है तो यहां आकर ये नेगेटिव 65 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक्स यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 180 डिग्री में से जब आप 65 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 115 डिग्री। तो अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल गई है, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 115 डिग्री। अब हम एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहां तक ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री बनाएगा। और ये 180 डिग्री जो यहां से यहां तक है ये यहां पर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, क्योंकि ये जो रे है ये इस 180 डिग्री एंगल को काट रही है यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दे तो हमें वापस 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लीनियर पेयर। अब हमें तो एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 40 डिग्री है हम इसको राइट साइड में ले आएंगे। देखिए वाई यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज रखेंगे, 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज रहेगा और यहां पर जो ये पॉजिटिव 40 डिग्री है राइट साइड में आके ये नेगेटिव 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाई यहां पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 180 डिग्री में से जब आप 40 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 140 डिग्री। तो अब हमने एंगल वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स, एंगल वाई की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। अब हम एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये दो एंगल्स कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 40 डिग्री और इसका रीजन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हमने एंगल X, एंगल Y और एंगल Z की वैल्यू फाइंड कर ली है तो यहां पर हम लिखेंगे हैंस X इज इक्वल टू 115 डिग्री, Y इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।